Hello and welcome back to day 9 of most expected question series with detailed analysis. And we are targeting UPSC prelims. So, we are doing a lot of practice. Practice of facts, elimination technique, concept and common sense. So, let's start today's practice. Question number 1. Consider the following statement regarding Mineral Laws Amendment Act 2020. Companies will now be able to use the extracted minerals for self-consumption or sale. No prior experience of coal mining in India will be required by the companies to participate in the auction of the coal or lignite blocks. So, tell me which is correct. Mineral Laws Amendment Act 2020 पर मैंने पूरा comprehensive analyze किया है इसको और अपने capsule course तो आप मेरी playlist में जाइएगा वहाँ पर एक capsule course होगा और वहाँ पर एक Mineral Laws Amendment Act 2020 करके एक session पड़ा हुआ है उसमें मैंने आपको पूरा ये law उसके benefit issue way forward पूरा इसको comprehensively analyze किया है तो आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा ये ऐसे question Mineral Laws Amendment Act से जितने भी question बन सकते हैं आपके सारे question सारे सॉल्व हो जाएंगे देखिए एकदम दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं जो रिमूवल जो रिस्ट्रिक्शन थी एंड यूज ऑफ कोल पे अब उसको रिमूव कर दिया गया है पहले केवल कोल को कैप्टिव यूज के लिए यूज किया जा सकता था कैप्टिव यूज मतलब अपने पर्पस के लिए यानी आपका कोई प्लांट है पावर प्लांट स्टील प्लांट तो वहां पर यूज कर सकते हैं पर अब ऐसा नहीं है अब आप पावर प्लांट में भी भेज सकते हैं अपने कैप्टिव यूज के लिए भी और आप ओपन मार्केट में सेल भी कर सकते हैं तो पहला एकदम करेक्ट ऑप्शन है दूसरा पहला एक्सपीरियंस चाहिए था आपको अगर ऑक्शन ब्लॉक में बैठना है ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको पहले एक्सपीरियंस चाहिए होता था अब कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आपको और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है तो भी चलेगा अगर आपने किसी और मिनरल में आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप ऑक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको किसी और मिनरल में और किसी और कंट्री में भी अगर उस चीज का एक्सपीरियंस है तो आप ऑक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो एक्सपीरियंस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको ब्रॉडेंड कर दिया गया है ठीक है सर तो मैंने उस सेशन में पूरा समझाया है आपको उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा इसका आंसर है सी बोथ वन एंड टू बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज इज अ सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन तो बताइए न्यूज में है करंट अफेयर इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इज अ सब्सिडरी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो ऑप्शन बी इज करेक्ट और ये कहां पे लोकेट है सर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी इन गुजरात यहां पर है और ये सब्सिडरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की और ये फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है इसका टर्न अराउंड टाइम जो है वो 4 माइक्रोसेकेंड्स का है ठीक है सर और ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है यूरेक्स T7 पर रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अनाउंस अ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स फॉर ऑफ द 50,000 करोड़ टू बेल आउट म्यूचुअल फंड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SLFMF यानी स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड पहला स्टेटमेंट है RBI विल कंडक्ट रेपो ऑपरेशन डायरेक्टली एक्सटेंडिंग लोन्स टू म्यूचुअल फंड्स एट रेपो रेट इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन ऑफ RBI बताइए कौन सा सही है करेक्ट पूछा है सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट देखिए पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन भी गलत है पहला इसलिए गलत है क्योंकि RBI स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स है अनाउंस किया उसने पर RBI बैंक को देगा और बैंक जो होंगे वो म्यूचुअल फंड को देंगे तो डायरेक्टली जो यहां पर लगा हुआ है डायरेक्टली स्टैंड नहीं होगा लोन्स म्यूचुअल फंड्स को तो RBI पहले बैंक को देगी और बैंक जो होगी फिर म्यूचुअल फंड्स को देगी ठीक है सर दूसरा ये 90 डेज के लिए है तो ये लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन नहीं है RBI का तो 90 डेज के लिए इसका टेन्योर तो दूसरा भी गलत हो गया तो आंसर क्या हो गया करेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट है दोनों आंसर इज डी नीदर वन नीदर टू ये मैंने आपके लिए पूरा लगा दिया है PDF में अपलोड कर देता हूँ कभी कभी थोड़ी सी देरी हो जाती है तो मुझे माफ कर दिया करिए मैं अगली बार से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी अपलोड कर दूं क्वेश्चन नंबर 4 विथ रेफरेंस टू यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट स्टोर डेटा ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एम्बेडेड इन द कार्ड इट जनरेट्स अ यूनिक एंड स्पेसिफिक इनक्रिप्टेड कोड कॉल्ड अ टोकन और क्रिप्टोग्राम फॉर एवरी टर्मिनल ट्रांजेक्शन इट प्रिवेंट्स फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस सच एज कार्ड स्किमिंग एंड क्लोनिंग तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है
यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा, ताकि तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं। देखिए पहले के जो कार्ड होते थे उनके पीछे एक ब्लैक स्ट्रिप होती थी, उसमें होता था सारा डेटा। लेकिन अब ये जो कार्ड आए हैं, यूरो कार्ड, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, इसमें क्या होगा, इन कार्ड के अंदर ही एक चिप होगी जिसे माइक्रो प्रोसेसर चिप होगी, उसके अंदर सारा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा, इट जनरेट्स अ यूनिक एंड स्पेसिफिक इनक्रिप्टेड कोड। तो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, आप टर्मिनल पे होंगे, तो आपके एक ट्रांजेक्शन के लिए पर्टिकुलर आपको टोकन या क्रिप्टोग्राम एक निकल कर आएगा, और हर एक ट्रांजेक्शन के लिए वो अलग अलग होगा। तो इससे क्या होगा, जो भी फ्रॉडस्टर होंगे, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो इस डेटा को, ओरिजिनल डेटा को चुरा नहीं पाएंगे, तो फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। तो एकदम करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, और तीसरा भी एकदम करेक्ट है कि कार्ड स्किमिंग और क्लोनिंग से प्रैक्टिस से बचाता है। बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वॉलेंट्री रिटेंशन रूल इज ऑफन सीन इन न्यूज इन रिलेशन टू व्हाट, बताइए। इन्वेस्टमेंट बाय द एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, क्राउडिंग आउट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, डिसबर्सल ऑफ लोन टू एमएसएमई, और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका आंसर है ए, इन्वेस्टमेंट बाय पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो जो ये वॉलेंट्री रिटेंशन रूट है, ये नया चैनल अवेलेबल है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास, जो कि इनका रेगुलर चैनल था, जो रेगुलर रूट में जितना इन्वेस्टमेंट करते थे उससे अलग भी अब ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वॉलेंट्री रिटेंशन रूट के थ्रू। ठीक है सर। और बस इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको कुछ मिनिमम परसेंटेज, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका कुछ मिनिमम परसेंट आपको रखना ही होगा, और कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखना होगा, और उसकी लिमिट है 1.5 लाख करोड़ की लिमिट है, और 3 साल के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो ये वॉलेंट्री रिटेंशन रूट है। विथ रेफरेंस टू हंगुल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट, कौन सा गलत है सर, गलत बताना है। पहला ऑप्शन है इट वॉज अ स्टेट एनिमल ऑफ अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहा नहीं, इसलिए अर्स्ट वाइल। सेकेंड ऑप्शन है IUCN रेड लिस्ट हैज क्लासिफाइड इट एज इंडेंजर्ड स्पीसीज, इट इज प्लेस्ड ऑन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड इट कैन बी फाउंड इन द डचीगम नेशनल पार्क। देखिए पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है हंगुल, एकदम करेक्ट है। दूसरा, डचीगम नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में ही है, और यहाँ पर हंगुल को प्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ पर हंगुल फाउंड किए जाते हैं। तो पहला और डी, ए और डी नहीं हो सकता। बचे दो ऑप्शन बी एंड सी, शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। और IUCN की जो रेड लिस्ट है वहां पर इनको इंडेंजर्ड में नहीं रखा गया बल्कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। तो इनका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है। कश्मीरी स्टैग, इसको हंगुल भी कहते हैं, और ये स्टेट एनिमल है, एकदम करेक्ट है। और ये सब स्पीसीज है रेड डियर का, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है IUCN की। ठीक है सर, बाकी मैंने आपके लिए लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस एंजल्स लॉ, तो एंगल्स लॉ क्या है या एंजल्स लॉ क्या है, जो भी आप समझे बताइए इसको। पीपल जनरली स्पेंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ दियर बजट ऑन लग्जूरियस गुड्स एज इनकम राइजेस, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ रेट ऑफ GDP एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल जनरली स्पेंड अ स्मॉलर पार्ट ऑफ दियर बजट ऑन द फूड एज दियर इनकम इंक्रीजेस, देर इज अ रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ रेट ऑफ GDP एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बताइए एंगल्स लॉ क्या है। पहला लिखा है कि जैसी लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, वो अपने इनकम का छोटा पार्ट लग्जूरियस गुड्स पे एक्सपेंड करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, बल्कि ज़्यादा करते हैं। लेकिन जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो अपना स्मॉलर पार्ट, उसका स्मॉलर परसेंटेज फूड पे स्पेंड करते हैं, ये एकदम करेक्ट है। तो आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपने लग्जूरियस गुड्स पे या अदर गुड्स पे स्पेंड करना ज़्यादा शुरू कर दिया, और आपने फूड पर स्पेंड करना कम कर दिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी दोनों बी एंड डी इज नॉट रिलेटेड टू एंगल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट इशूड बाई द रजिस्टर्ड वेयर हाउस हेल्प्स फार्मर टू सीक लोन्स फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट NWRs एंड कैन अवॉइड डिस्ट्रेस सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाई फार्मर्स इन द पीक मार्केटिंग सीजन। इट अलाउज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट कम्युनिटी विदाउट बींग स्टोर्ड इन द वेयर हाउस विदाउट हैविंग टू डिलीवर द फिजिकल कम्युनिटी। द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट NABARD इज द रेगुलेटर ऑफ NWR। तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है,
ये है क्या? तो अगर बहुत ज़्यादा पीक मार्केटिंग सीजन है और फार्मर्स के पास कोई पैसे नहीं है तो उसको बेचना ही पड़ेगा, डिस्ट्रेस सेल करनी ही पड़ेगी। ये ना हो पाए इसके लिए नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है। तो वेयर हाउस में जाइए, आप अपना सामान रखिए, वहां से आपको एक रिसीट मिलेगी, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। उस रिसीट को लेकर बैंक में जाइए, बैंक से आप उसको रखकर कोलेटरल के रूप में रखकर उससे बैंक से लोन ले सकते हैं। तो आप जब मार्केटिंग सीजन सही हो जाए तब आप उसको बेच भी सकते हैं। ठीक है सर, तो ये बेसिकली फार्मर्स के लिए है ताकि वो लोन ले सके और उनको डिस्ट्रेस सेल ना करना पड़े। तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा इसलिए गलत है सर क्योंकि स्टोर तो करना पड़ेगा वेयर हाउस में। यहाँ पे लिखा है विदाउट बीइंग स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस, तो वेयर हाउस में स्टोर तो करना पड़ेगा, तो दूसरा गलत है। और तीसरा इसलिए गलत है सर क्योंकि ये वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के अंतर्गत बनाई गई है, वो इस चीज को रेगुलेट करता है। माफ कीजिएगा, वो इस चीज को रेगुलेट करता है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट को। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर है इसका ए, और ये मैंने आपके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन लगा दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विद रेफरेंस टू डिजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुजरात हैज हाईएस्ट एरिया अंडर डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन देन महाराष्ट्र। हरियाणा हैज मोर देन 40% एरिया अंडर डिजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन इन द कंट्री इज वेजिटेशन डिग्रेडेशन। राजस्थान हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर डिजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन इन द कंट्री। तो डिजर्टिफिकेशन न्यूज में रहता है इसलिए पूछा गया है सवाल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो आपको ये चौथा तो एकदम करेक्ट लग रहा होगा, राजस्थान हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर डिजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन इन द कंट्री। सर इसका आंसर यही है, बाकी तीनों गलत ऑप्शन है। गुजरात सेकंड पे नहीं आता बल्कि महाराष्ट्र सेकंड पे आता है। माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र सेकंड पे आता है। ठीक है, तो पहले राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, तब गुजरात आता है। और हरियाणा में 40% नहीं है सर, 7.87 के लगभग है, 7 to 8% के लगभग है उसका एरिया डिजर्टिफिकेशन के अंदर। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसेस है जो कि डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं वो हैं सर, सबसे पहले है कि ये वाटर इरोजन की वजह से 10.98% और वेजिटेशन डिग्रेडेशन की वजह से 8.91% विच इज फॉलोड बाई विंड इरोजन। तो सबसे पहले वाटर से जो इरोजन होता है, उसके बाद वेजिटेशन डिग्रेडेशन एंड देन विंड इरोजन। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत है और फर्स्ट भी गलत है। इसका आंसर हो गया 4 ओनली। द वर्ड हटिंगटन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज विद रेफरेंस टू अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर, एन अर्ली एनिमल स्पीसीज, अ केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अ जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? हंटिंगटन, हंटिंगटन। इसका आंसर है सर पहला, अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर्स। ये एक डिसीज है जिसकी वजह से, किसकी वजह से होती है? जब म्यूटेशन हो जाता है HTT, तो सर ये एक HTT नाम का जीन है हमारी बॉडी में, उसमें जब म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से हंटिंगटन डिसीज हो जाती है। ठीक है सर, इज अ प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग द ब्रेन दैट कॉजेस अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। तो ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होने लगते हैं, आप इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ बैलेंस को देते हैं एंड मूवमेंट, डिक्लाइन इन द कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, आपकी मेमोरी लैप्स हो जाती है, आपके पास मूड स्विंग्स होते हैं, पर्सनैलिटी चेंज होते हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं। और ये HTT जीन में जब म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से होता है, क्योंकि HTT जीन एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम है हटिंगटन, और वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। जब उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो वो जो जीन है वो एबनॉर्मल हटिंगटन प्रोटीन को प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं। इसको बोलते हैं हटिंगटन डिसीज। ठीक है सर, तो इसका आंसर हो गया अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ मौना लोआ वॉल्केनो इन हवाई। इट स्टडीज द ओजोन लेयर एंड बेस लाइन एयर क्वालिटी। इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विच शोज अ स्टडी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ दिस गैस ड्यूरिंग मोर देन हाफ अ सेंचुरी। बताइए क्या है सही उत्तर? सर ये तीनों एकदम करेक्ट ऑप्शन है।
ये मोनालोआ वॉल्केनो जो है हवाई में उसके साइड में है बिल्कुल। और ये ओजोन लेयर बेसलाइन एयर क्वालिटी को स्टडी करता है और इसने पाया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो मोर देन हाफ अ सेंचुरी से स्टडी इंक्रीज पर है। एकदम करेक्ट ऑप्शन है तीनों, ये मैंने पूरा ऑब्जर्वेशन आपके लिए लगा दिया है। विथ रेफरेंस टू पंच मिशन, अब ये पंच मिशन जिसको पता है किसके बारे में है तो ये आंसर ए ऑप्शन बहुत ही ज्यादा मतलब इजी हो जाएंगे आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पंच मिशन के बारे में कौन सा करेक्ट है। इट इज फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सन्स आउटर कोरोना टू द सोलर विंड्स। इट इज द फर्स्ट इंडियन मिशन टू मार्स टू डेवलप द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग फॉर एन इंटर प्लेनेटरी मिशन। इट इज अ पार्ट ऑफ नासा मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम फॉर रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द रेड प्लैनेट एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन टू स्टडी द सन्स इनर सरफेस। तो बताइए पंच मिशन किसके बारे में है। पंच मिशन सन के बारे में है तो ऑप्शन बी और सी दोनों एलिमिनेट हो गए। और डी, इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन टू स्टडी द सन्स इनर सरफेस। पहले आउटर तो पढ़ लें सर, तब इनर पढ़ेंगे, तो ये डी गलत ऑप्शन हो गया। तो आंसर क्या हो गया, वन। इट इज फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सन्स आउटर कोरोना टू द सोलर विंड। ठीक है, ये पंच है पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर। पंच मिशन दैट विल फोकस ऑन द डायरेक्टली ऑन द सन्स आउटर एटमोसफेयर द कोरोना एंड हाउ इट जनरेट्स द सोलर विंड्स। कंपोज ऑफ फोर सूट केस टाइप सेटेलाइट, पंच विल इमेज एंड ट्रैक द सोलर विंड एज इट लीव्स द सन। ये पूरा मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेजर एडवांटेज और एडवांटेजेस इन ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। इट डज नॉट इमिट ग्रीन हाउस गैसेस एंड इज कंप्लीटली फ्री ऑफ लॉन्ग लिव रेडियोएक्टिव वेस्ट। इट कंटेन्स लिमिटेड रिस्क ऑफ प्लोरीफ्लेशन अनलाइक द न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी। इट डज नॉट कंटेन एनी रिस्क ऑफ मेल्टाउन ऑफ रिएक्टर अनलाइक द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। एंड द फोर्थ इज कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन ऑप्टेनिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स आर सिंपलर दैन दैट ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स। तो बताइए क्या है सही उत्तर क्या है, नोटबुक में लिखते रहा करिए सही उत्तर और बाद में अपना स्कोर जरूर लिख दिया करिए। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन क्या होता है, जब दो न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा न्यूक्लियाई बना लें तो फ्यूज होके वो बना रहे हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है सर, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हीलियम बना दिया, इसको बोलते हैं फ्यूजन। और फिजन क्या होता है, जब बड़ा दो छोटे छोटे में टूट जाए उसको बोलते हैं फिजन। फिजन मतलब टूटना और फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, जुड़ना। ठीक है सर, जब फ्यूजन की प्रक्रिया होती है तो अल्फा बीटा गामा वगैरह वगैरह रेज निकलती हैं, लेकिन जब फ्यूजन होता है इसके लिए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस होती हैं। ये फ्यूजन रिएक्शन जो होती है ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में ही हो सकती है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होनी चाहिए। और ये जो है कोई भी ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं करता, जिससे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं करता, और कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट से भी ये कम्प्लीटली फ्री होता है और इसका प्लोरीफ्रेशन में रिस्क ज़्यादा नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा, न्यूक्लियर फ्यूजन से रिएक्टर मेल्टडाउन नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन से जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्टडाउन हो जाता है, जैसे कि चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ था, वो एग्जाम्पल है मेल्टडाउन रिएक्टर का, माफ कीजिएगा। और इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इन्वॉल्विंग द ऑप्टेनिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स ये ज़्यादा हैं। जब न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना होगा तो आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन चाहिए होंगी, तो जो कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में, और ये सिंपलर नहीं है, तो ये ऑप्शन बेसिकली गलत ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो गया सर, 1, 2 एंड 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विद रेफरेंस टू प्रीवी परसेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो भैया गलत कौन सा है, प्रीवी पर्स वॉज टैक्स फ्री अमाउंट गारंटीड टू फॉर्मर प्रिंसली रूरल्स। इट वॉज इक्वली फिक्स्ड फॉर ऑल अर्थ वाइल प्रिंसली स्टेट्स। इंटाइटलमेंट टू प्रीवी परसेस वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर द अर्थ वाइल रूरल्स। द सक्सेसर ऑफ द रूरल्स वर ऑल्सो इंटाइटल टू प्रीवी परसेस। तो कौन सा उत्तर गलत है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए पहला एकदम सही है, प्रीवी पर्स वॉज द टैक्स फ्री अमाउंट गारंटीड टू फॉर्मर प्रिंसली रूरल्स, तो आपको पता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 291 के अंतर्गत, तो ये एकदम सी करेक्ट है। और इसको इंदिरा गांधी जी ने हटा दिया था, कौन सा अमेंडमेंट था सर, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के थ्रू, तो ये भी एकदम करेक्ट है। द सक्सेसर ऑफ द रूरल वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू प्रीवी पर्सेस, ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आंसर गलत कौन सा है इसमें, ये बी, तो बी सवाल का जवाब है।
क्योंकि अस्ट वाइल जितने भी प्रिंसली स्टेट है सबको इक्वली नहीं मिलता था, कुछ क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया के बेस पर उनको ये प्रीवी पर्स यानी ये अमाउंट मिलता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग गल्फ ऑफ गिनिया? तो गल्फ ऑफ गिनिया के कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताइए। इट इज कैरेक्टराइज बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन। इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट पायरेटेड इन्फेस्टेड सी। इट हैज इथियोपिया एज वन ऑफ इट्स बेसिन कंट्रीज। ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, बताइए कौन सा सही है। सर कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सी गलत लग रहा है मुझको। इट हैज इथियोपिया एज वन ऑफ इट्स बेसिन कंट्रीज, ये तो गलत है क्योंकि इथियोपिया तो सर यहां पर है, ये रहा इथियोपिया, ये रहा सर इथियोपिया, ये देख रहे हैं सर यहां पर, और ये रहा गल्फ ऑफ गिनिया। तो बेसिन कंट्रीज नहीं होगा, ये तो गलत ऑप्शन हो गया सर। ये एकदम पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये रही प्राइम मेरिडियन, ये रही इक्वेटर। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो गल्फ ऑफ गिनिया से पास हो रही है। तो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन गलत, सी गलत हो गया और पहला सही है। तो सर इसका ऑप्शन डी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन आंसर क्या है? सी। तो आंसर सी है, इट इज मोस्ट वर्स पायरेट इन्फेस्टेड सी। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये रिलीज किया था, इंटरनेशनल मैरिटाइम्स ब्यूरो एनुअल पायरेसी रिपोर्ट, जिसने उसमें बताया था कि गल्फ ऑफ गिनिया एज मोस्ट डेंजरस एरिया इन द वर्ल्ड फॉर शिपिंग। ठीक है, अब आपको न्यूज़पेपर और लैंग्वेज दोनों को मैच करना है। बहिष्कृत भारत मराठी, महारत्ता इंग्लिश, सोम प्रकाश बंगाली, बताइए कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखिए बहिष्कृत भारत तो एकदम करेक्टली मैच्ड है मराठी, है ना, और सोम प्रकाश बंगाली और महारत्ता इंग्लिश तीनों करेक्टली मैच्ड है। बहिष्कृत भारत दिया था किसने? बी आर अम्बेडकर जी ने। महारत्ता इंग्लिश में न्यूज़पेपर था बाल गंगाधर तिलक जी का, और सोम प्रकाश बंगाली न्यूज़पेपर था जिसको द्वारकानाथ विद्याभूषण ने लॉन्च स्टार्ट किया था। तो ये ऑप्शन तीनों करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क आर यू मोस्ट प्रोबेबल टू फाइंड सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट? तो भैया इन चारों में से, नेशनल पार्क में से किस में आपको सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे? तो बताइए, कॉर्बेट नेशनल पार्क, सरिस्का, बांदीपुर, सिमली पार्क, सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इसका उत्तर है सर सरिस्का नेशनल पार्क। ये है यहां पर सरिस्का नेशनल पार्क, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड दिस इज बांदीपुर नेशनल पार्क, और यहां पर है सिमली पार्क नेशनल पार्क यहां पर। ठीक है सर, इसका उत्तर है सरिस्का नेशनल पार्क मेनली कंसिस्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या होता है? मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। बांदीपुर में ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, और सिमली पाल में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। ऑन द 3rd जनवरी द सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड द इक्वेटर, इज नियरेस्ट टू द अर्थ, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द अर्थ। तो 3 जनवरी को क्या प्रक्रिया होती है बताइए। तो सर जो सन है, जो अर्थ है, वो सन के अराउंड मूव कर रही है इलिप्टिकल पाथ में, है ना। तो सन, अर्थ कभी बहुत पास में होगी और कभी बहुत दूर में होगी। जब बहुत पास में होती है उसको बोलते हैं पेरीहीलियन, पेरी मतलब पास में और हीलियन मतलब सर के, सन के पास में, पेरीहीलियन। और पेरीहीलियन कब आता है? 3rd जनवरी को। ठीक है सर, तो ये नियरेस्ट टू द अर्थ इसका आंसर है। और ये जो सबसे दूर, जब सन से दूर हो जाती है अर्थ, उसको बोलते हैं एपीहीलियन, एपीहीलियन मतलब अपोजिट साइड में सबसे दूर है। ये 4 जुलाई को आता है ये दिन। ठीक है सर, तो ये पेरीहीलियन 3rd जनवरी और 4 जुलाई को एपीहीलियन। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हुलॉक्स गिबन इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, ऑलिव रेडले टर्टल इज ओनली टर्टल नोन फॉर सिंक्रोनाइज नेस्टिंग कॉल्ड एरीबडा, गंगेश शार्क इज ओनली फाउंड इन रिवर्स एंड एस्टुरीज एंड नॉट इन सी एंड ओशन, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है बताइए। पहला एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, हुलॉक गिबन इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, एंड तीसरा एकदम करेक्ट है, गंगेश शार्क इज ओनली फाउंड इन रिवर्स एंड एस्टुरीज एंड सी और ओशन में ये नहीं पाई जाती है। लेकिन ऑलिव रिडले टर्टल का एक कजिन भी है, उस कजिन का नाम है कैम्स रिडले टर्टल। तो ये दोनों मिलकर सिंक्रोनाइज नेस्टिंग करते हैं और अड़ी बड़ा बनाते हैं। ये ओनली टर्टल नहीं है, समझ रहे हैं सर, तो कजिन भी है इसका, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कैम्प रिडले टर्टल भी है
ऑलिव रेडलेट टर्टल के साथ जो कि सिंक्रोनाइज नेस्टिंग करते हैं अरीबड़ा के लिए। तो ऑप्शन टू इज इनकरेक्ट, एलिमिनेशन लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, आंसर इज 1 और 3। ये मैंने आपके लिए पूरा लगा दिया स्टेटस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग अ स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाई द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एटलीस्ट 50% रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज ओवर पास्ट 10 ईयर्स, एक्सटेंट ऑफ ऑकरेंस इज लेस देन 100 km², एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड विदिन 10 ईयर्स एंड पॉपुलेशन साइज इज लेस देन 50 mature individuals। तो बताइए क्या क्राइटेरिया है जब IUCN किसी भी स्पीसीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में रखता है। देखिए पहला गलत है, ये एटलीस्ट 50% नहीं है, एटलीस्ट 90% रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज ओवर पास्ट 10 एरिया। सर क्रिटिकली इंडेंजर्ड का क्या मतलब होता है कि उनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एक्सटेंट इन वाइल्ड होने की, समझ रहे हैं सर? तो 90% रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, तो ए एंड डी आर एलिमिनेटेड। बाकी तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो इसका आंसर है 2, 3 और 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 25 क्वेश्चन है और हम धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि आपका वास्ट कवरेज हो जाए, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर फॉरेस्ट बीइंग एक्सट्रीमली फायर प्रोन टू लेस फायर प्रोन। स्टेट्स को इस ऑर्डर में अरेंज किए कि सबसे ज्यादा जिसका एरिया फायर प्रोन हो और फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। तो ऐसे अरेंज कीजिए, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मणिपुर एंड बिहार। देखिए सबसे ज्यादा फायर प्रोन एरिया है मिजोरम का, अगर आपको नहीं भी आता तो चेक किया करिए कि पहला ऑप्शन 1 और 3 में ही चुनना है, तो 1 और 3 यानी मिजोरम या मणिपुर में कौन सा है, तो फिर आपका गैस वर्क थोड़ा सा भी लग सकता है। तो मिजोरम और मणिपुर में क्या आंसर है सर? मिजोरम। तो बी एंड सी आर आउट, बचे ए एंड डी, 1 के बाद 3, दोनों के बाद यानी मिजोरम के बाद मणिपुर है, ये एकदम करेक्ट है। और छत्तीसगढ़ और बिहार में सोचना है, छत्तीसगढ़ और बिहार में, छत्तीसगढ़ ज़्यादा प्रोन है और बिहार कम है। तो 2 और 4, इट्स आंसर इज 1, 3, 2 और 4। ये मैंने आपके लिए लगा भी दिया है, एक्सट्रीमली फायर प्रोन, हाईली फायर प्रोन। ये देखिए बिहार स्टेट बाउंड्री और ये किस कैटेगरी में आता है, आप देख लीजिए, फायर प्रोन, मॉडरेटली फायर प्रोन एंड लेस फायर प्रोन। तो बिहार बेसिकली लेस फायर प्रोन में आता है। और ये रहा मिजोरम, ये रहा मणिपुर, है ना, और ये रहा छत्तीसगढ़, देख लीजिए आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन इंडिया। बहुत ही प्यारा सवाल इकोनॉमिक्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। तो सर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्सपोर्टर है और कहीं पर प्रोड्यूसर है, तो बताइए क्या उत्तर सही है। देखिए इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, ये माफ कीजिएगा, ये गलत है। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, ये गलत ऑप्शन है। चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी, तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, तो भैया इंडिया नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो गया, चाइना है, ठीक है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, ये एकदम करेक्ट है। डी, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट, तो इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट, बल्कि बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मैंने आपके लिए पूरा लगा दिया है और इसको पढ़ लीजिएगा। तो चाइना है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर, चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, और बांग्लादेश वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट फाइबर्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस अकाउंटिंग फॉर 34% ऑफ एरिया एंड 24% ऑफ द प्रोडक्शन, फॉलोड बाई म्यांमार, कनाडा, चाइना, नाइजीरिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है सर। हम 20-25% प्रोटीन बाई वेट होता है हमारे पल्सेस में, और डबल द प्रोटीन कंटेंट ऑफ वीट, 3 times द कंटेंट ऑफ राइस। और हमारे यहाँ मेजर पल्सेस जो होती हैं चिकपीस, पिजंटी, मूंग बीन्स, उड़द जिसे बोलते हैं, मसूर, पीज, वेरियस काइंड ऑफ बीन्स, तो ये सबका प्रोडक्शन होता है। रिसेंटली देर वॉज अ ग्रोइंग कंसर्न इन इंडिया रिगार्डिंग द येलो रस्ट इंसिडेंट, तो भैया ये येलो रस्ट इंसिडेंट है क्या? और UPSC को ऐसे सवाल बहुत प्यारे हैं कि न्यूज में कुछ हो और वो डायरेक्टली उनसे पूछ लेता है। तो बताइए व्हाट इज येलो रस्ट? इट इज अ फॉर्म ऑफ रस्ट विच कैन रैपिडली करोड स्टील इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इट इज अ न्यूली फाउंड मिनरल ऑफ यूरेनियम इन द कंट्री। इट इज एन एक्सोटिक स्वीटेड सीवीड दैट पोजेस अ थ्रेट टू कोरल रीफ्स। इट इज अ फंगल डिसीज ऑफ वीट क्रॉप। तो बताइए कौन सा सही है।
येलो रस्ट इज अ फंगल डिसीज ऑफ वीट क्रॉप. With reference to Goga Bheel, consider the following statement. It's the first community reserve in the state of Bihar. It is an oxbow lake. It lies in the confluence of river Gandak and Son. It is also the first from the state of Bihar to be designated as Ramsar site. बताइए क्या सही है? और अगर आपको रामसर साइट के बारे में पता है तो बिहार में नहीं है Goga Bheel, कोई ऐसी रामसर साइट नहीं है. So option B and C are eliminated from this. One is the correct. It's a community reserve in. It's the first community reserve in the state of Bihar. और दूसरा भी एकदम correct है. It's the first. It is an oxbow lake. So answer is A, 1 and 2. ठीक है. ये मैंने आपके लिए पूरा लगा दिया है. और ये river Mahananda and Kankhar in the north and Ganga in the south and east इसके उससे बनता है. It is the 15th protected area in the Bihar. Community reserve पहला है. और प्रोटेक्टेड एरिया 15th नंबर का है. आज का लास्ट सवाल, नागार्जुना सीलिंग्स इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिस्कवर्ड इन महाराष्ट्र प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू राजकूटर डायनेस्टी, अशोकन एम्पायर, साकाज और वकाटक डायनेस्टी. तो हिस्ट्री से भी ले आए हम आपके लिए, पूरा कवरेज है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारा आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर के साथ. ये मेरी गारंटी है. नागार्जुना सीलिंग जो है ये वकाटक डायनेस्टिक से संबंधित है. ठीक है, ये डिस्कवर की गई है महाराष्ट्र में, तो मैंने आपके लिए लगा दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अपना स्कोर जल्दी जल्दी आप लिख दीजिए और हिचकिचाइएगा नहीं सर, हिचकिचाइएगा बिल्कुल भी नहीं. स्कोर कम आए या ज़्यादा आए, कुछ लोग लिखते हैं, दैट्स वेरी गुड. आप भी लिखा करिए, आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखिएगा ना, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट इज द मेन की. और अगर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप ग्रो कर रहे हैं. ठीक है सर, ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. और ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा. और इसमें जो आंसर्स हैं उसको एक्सप्लेनेशंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सर उस क्वेश्चन के साथ आपके बाकी का एरिया भी कवर हो जाएगा. तो यूपीएससी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो देगा नहीं जो मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ इधर उधर पूछेगा तो आपका कवर जरूर होगा, आप वहां पे गेस वर्क भी लगा ही लेंगे. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद.